हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग द नेचुरल गार्डन। दोस्तों ये मेरा मनी प्लांट है जो कि एकदम घना हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं एकदम ये जंगल जैसा हो चुका है और इसने पूरी स्टिक को कवर कर लिया है। दोस्तों ये स्टिक भी मैंने घर पर ही बनाई है और इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों मनी प्लांट की केयर कैसे करते हैं, केयर टिप्स के बारे में जानने के लिए भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसको समर्स के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों ये विंटर्स के टाइम में प्लांट्स काफ़ी ख़राब हो चुका है और इसकी पत्तियाँ भी सारी यहाँ से ये झड़ चुकी हैं, जिससे ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं इसको समर्स के लिए प्रिपेयर करूँगा जिससे ये समर्स में फिर से हरा भरा हो जाएगा और बहुत ही घना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करने वाला हूँ। मैंने इसकी जितनी भी ब्रांचेज, ये दोस्तों लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेज इसकी निकली हुई थी, इनको मैंने थ्रेड की हेल्प से इसको मैंने यहाँ पे टाई कर दिया था। अब मैं इनको सबको खोल के इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगा जिससे हमारे प्लांट को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके और उनको घना बनने के लिए उनको एनर्जी मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे देखते हैं किस तरह से हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं। अब पहले सबसे पहले दोस्तों हम इनको सारी ब्रांचेस को खोल लेंगे दोस्तों इस तरह से। दोस्तों ये देखिए इनकी ब्रांचेस काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ब्रांचेस हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेज हो चुकी हैं। अब मुझे इनको सबको कटिंग करना पड़ेगा, देखिए इस तरह से। दोस्तों मैं इनको सबको कट करके ही अलग अलग करता हूँ। ये देखिए दोस्तों दोस्तों हमने अपने प्लांट को पूरा कट कर लिया है, सारी ब्रांचेज को कट कर लिया है। दोस्तों जो इसकी मदर ब्रांच, जो मदर प्लांट था, मैं उनको पूरा ऐसे ही रहने दूंगा और इनकी ब्रांचेज को सही से अच्छे से फिर से टाई कर दूंगा किसी थ्रेड की हेल्प से। दोस्तों मनी प्लांट में रियल रूट्स होती हैं, इस तरह से कुछ इसमें रूट्स निकलती हैं। तो दोस्तों एरियल रूट्स अगर आप स्टिक लगाते हैं तो एरियल रूट्स उस स्टिक को कवर कर लेती हैं और अपना मॉइस्चर जो भी है वाटरिंग लेती रहती हैं। दोस्तों बाकी इसमें से मैं अच्छी अच्छी कुछ कटिंग अभी बनाऊंगा और उनको मैं अलग पॉट में लगाऊंगा। आप देख रहे हैं दोस्तों ये देखिए पूरा बिल्कुल जंगल जैसा दोस्तों हो गया था। अब ये समर्स के लिए दोस्तों रेडी हो चुका है और इसको मैं अभी थ्रेड की हेल्प से टाई कर देता हूँ। और दोस्तों हम मिट्टी की थोड़ी थोड़ी कुछ गुड़ाई कर देंगे इस तरह से और इसमें सूखे पत्ते जो भी होंगे वो हटा देंगे, सारे सूखे सूखे पत्ते सारे हटा देंगे। और मिट्टी तो लगभग 1 से 1.5 इंच तक गुड़ाई कर देंगे इस तरह से। दोस्तों हम अपने मनी प्लांट को घना कैसे बनाए, दोस्तों हमें तो टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी और दोस्तों इसमें हमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। आप चाहे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, काओ मैन्योर या फिर हाँ बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं लोगों 15 दिन में एक बार, या फिर दोस्तों आप NPK दे सकते हैं। NPK जो 19:19:19 आता है उसको
एक चम्मच एक लीटर में डिजॉल्व करके आप थोड़ा सा प्लांट में भी डाल सकते हैं पॉट में, और बाकी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी लीव्स पर आप एनपीके स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही घना भरा, एकदम घना और हरा भरा हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसमें देंगे कुछ फर्टिलाइज़र, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम देंगे इसमें। तो दोस्तों मैंने घर पर ही कंपोस्ट तैयार किया है, हम इसमें वो देने वाले हैं। और अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी इस गमले की मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले लिया है, ये दोस्तों घर पर ही मैंने कंपोस्ट तैयार किया है, जो कि गाय के गोबर से कंपोस्ट तैयार किया है। अब मैं गमले की मिट्टी में लगभग एक मुट्ठी इसको डाल दूंगा और मिट्टी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगा। इस तरह से मिट्टी में अच्छे से डाल देंगे और फिर उसके बाद मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों मनी प्लांट को मॉइस्चर काफ़ी पसंद होती है, तो आप अपने गमले की मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखें। और अगर आपने मॉस स्टिक लगा रखी है उसमें भी मॉइस्चर बनी रहे, जिससे कि हमारे प्लांट्स की एरियल रूट्स को अच्छा न्यूट्रिशन और मिलता रहेगा और उसको मॉइस्चर मिलती रहेगी। दोस्तों मनी प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मॉइस्चर का रहना, तो मॉइस्चर अच्छे से मिलेगी तो हमारा प्लांट भी अच्छा घना और हरा भरा होता रहेगा। दोस्तों बस इतना काम आपको करना है, आपका प्लांट एकदम अच्छा हरा भरा हो जाएगा मनी प्लांट। और जो भी सूखी लीव्स हैं आप उनको भी हटा दें दोस्तों, इस तरह से कट कर दें उनको। दोस्तों ये थी कुछ मेरे प्लांट की केयर के बारे में, और आप भी इसी तरह से अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, मनी प्लांट की केयर कर सकते हैं दोस्तों, और अपने प्लांट को एकदम जंगल जैसा हरा घना कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप वहां जाकर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।